देखिए इस तरीके का संज्ञान में आया था कि सोशल मीडिया में वीडियो जो है प्रसारित किया जा रहा है जिसमें कि मेरा स्वयं का फोटो दिखाया गया है। इस प्रकरण को मैंने स्वयं देखा और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ आपराधिक तत्वों ने इस तरीके की साजिश करने की कोशिश की है जिससे व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचे। जनपद गौतम बुद्ध नगर में पिछले एक वर्ष में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं संगठित अपराध के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध, और यहाँ पे कई प्रकार के जो नेक्सस थे, भ्रष्टाचार के जो नेक्सस थे, दलाली के जो नेक्सस थे, एक्सटॉर्शन के जो नेक्सस थे, इनके विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है इससे तिल मिला के हो सकता है कुछ आपराधिक तत्वों ने इस तरीके का करने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा, करीब एक डेढ़ महीने पहले माह नवंबर के करीब मेरे द्वारा जनपद गौतम बुद्ध नगर से संबंधित एवं अन्य कुछ और जगहों से संबंधित बड़ी संवेदनशील प्रकृति की प्रशासनिक रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई थी जिसमें कई लोगों के नाम थे और काफ़ी संवेदनशील प्रकृति की वो रिपोर्ट्स थी। उन पे अभी जांच भी चल रही है। उससे भी तिल मिला के कुछ ये शरारती तत्वों द्वारा, आपराधिक तत्वों द्वारा इस तरीके की कोशिश की गई है। आईटी एक्ट के विभिन्न प्रोविजंस के अंतर्गत थाना सेक्टर 20 पे एफआईआर पंजीकृत कराई जा रही है। जो भी इस घिनौनी हरकत के पीछे है उसकी जड़ तक जाएंगे और एक एक आदमी को गिरफ्तार करेंगे किसने इस तरीके का करने का कोशिश किया है। आईजी रेंज मेरठ महोदय से अनुरोध करके इसकी इन्वेस्टिगेशन जनपद गौतम बुद्ध नगर से अन्यत्र किसी जनपद में ट्रांसफ़र करने का अनुरोध भी किया जा रहा है जिससे कि इसमें निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी इसके आपराधिक कृत्य के पीछे है उसकी उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। सर अभी तक कोई आईडी होगा उसमें कोई आईडी सामने नहीं आई, लेकिन वीडियो को आप देखेंगे तो उस पर कुछ ऊपर वो है, कुछ लगा हुआ है जिससे खुद ही जो है स्पष्ट हो रहा है कि वो मॉर्फ्ड एक वीडियो है और कहाँ से वो फॉरवर्ड हुई है, जहाँ जहाँ से भी वो वीडियो आई है उसके पूरा लिंक हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे कहाँ से फॉरवर्ड होके आई है, क्या उसका स्रोत है और उसमें जो है कार्रवाई होगी। क्या मतलब ये गैंग है, एक गैंग है जो पर्टिकुलर इस देखिए इन्वेस्टिगेशन में सारी पर्दे खुलेंगे और सख्त कार्रवाई। आपने जो जांच रिपोर्ट जो सीएम को भेजी थी क्या थी, किस किस के खिलाफ भेजी थी? देखिए मैं पब्लिकली उसके बारे में नहीं कहूंगा लेकिन सेंसिटिव इशू उसमें कौन कौन लोग थे, क्या कोई अधिकारी था या वो सेंसिटिव इशू यहाँ से या सेंसिटिव इशूज थे, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ बहुत सारी चीजों से दिल मिला के इस तरीके का जो है कोशिश की गई है और सख्त कार्रवाई इसमें की। इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में आपने जो रिपोर्ट भेजी सर उसके बारे में हम पूछ रहे हैं, काफी मुद्दों पे उसमें कौन कौन लोग हैं जो पुराने पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं वो हैं या फिर कई लोगों के विरुद्ध उसमें है जो आप इशू बता रहे हैं वो भी, वो मुद्दा भी है जो आप बता रहे हैं वो मुद्दा भी और भी उसमें कई। सर इससे पहले भी लखनऊ और गाजियाबाद से भी गिरफ्तारी हुई थी, क्या अलग अलग शहरों से भी इस तरह की? इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें भ्रष्टाचार के कई एरियाज में और कई मुद्दों पे जो है जिक्र था, एक नेक्सस जो है किस प्रकार से जो है वो चल रहा था जिसे हम लोगों ने पूरा फोड़ा भी था, पूरे नेक्सस को हम लोगों ने वर्कआउट भी किया था, उसी के आगे की कड़ी के उसमें कुछ कुछ चीज़ें थी संवेदनशील प्रकृति के, वो सारे मुद्दे हैं और उसमें जांच भी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उसी से तिल मिला के इस तरीके का घिनौनी जो आपने रिपोर्ट जो भेजी थी इसमें क्या कुछ पुलिस के अधिकारियों के भी नाम थे? क्या थे पुलिस के अधिकारी, क्या करके मानोगे सर? कंटेंट क्या है वीडियो जांच की? सर अब वो जांच उसमें की जा रही है, वो इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें हम लोग कंसीडर करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भेजी गई थी। अच्छा वहां से सर कंटेंट क्या था? अच्छा वीडियो में क्या कंटेंट था सर? क्या मैं कोई पीछे से किसी लड़की की आवाज आ रही है और जो वीडियो है उसमें कोई लड़की मौजूद नहीं है लेकिन पीछे से किसी की आवाज आ रही है और अलग तरीके फोटो आपकी है, फोटो जो है